से कभी ऐसा हुआ कि आपने जूस का डब्बा पिया हो, फिर नीचे रख के और पटाखा बजाया हो उसका? बहुत ही संजीदा सवाल करने से पहले एक और सवाल करूंगी, कभी आपके पेट में हेडेक हुआ? Oh, no. सवाल ये है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अक्सर ये होता है कि टीचर्स, सुनने में आता है स्टूडेंट्स बड़े शिकायत करते हैं कि लड़कियों को ज्यादा नंबर देते हैं और लड़के बेचारे ऐसे फंस जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ रोज़ाना एक नए मेहमान मौजूद होते हैं जिनके साथ हम करते हैं एक मज़ेदार गुफ्तगू, साथ होता है चाय का, आपका और हमारा। इसी के साथ मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ती हूँ और बताती चलूँ कि हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं वो मैं नहीं बताऊंगी कि कौन है। और मैं क्यों नहीं बताऊंगी कि वो कौन है, क्योंकि ये मैं नहीं बताऊंगी, वजह भी नहीं मैंने बतानी और मेहमान भी नहीं मैंने बताना, और मेहमान की जानिब भी बढ़ेंगे हम। तो जी सर, आप कौन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला अली का साबी का सैयदी हबीबल्ला। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और दूसरी बात ये बताएं आप कौन हैं। मैं वही कह उसी तरफ आ रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि आपने इतना लंबा जोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे से लिखा है और फिर आपने इंट्रोड्यूस कराया भी नहीं। नहीं नहीं सर, आप बताएं आप हैं कौन। अच्छा छोड़े, मैं ही बता देती हूँ कि हमारे साथ आज कौन मौजूद है। हमारे साथ आज मौजूद है एक प्रोफेसर अस्क्रिया कॉलेज रावलपिंडी के साथ हमारे आज के न्यूटन कह सकते हैं, क्योंकि ये पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स में, स्टूडेंट लीडर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपको टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूं और कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे साथ चाय पीने। बहुत शुक्रिया, आपका शो वैसे भी बड़ा अच्छा होता है। मेरे अपने एक दो दोस्त जैसे आपके साथ आ चुके हैं पहले, उनका मैंने देखा था, तो मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश थी आने की, और बस वो कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, तो जब ताली बजे तो ठा होती है। तो सुनाए कैसी जा रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बहुत जबरदस्त जा रही है। कहते हैं सुबह होती है शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हाँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मेरे प्रोग्राम में ज्यादा शायर ही होते हैं और वो शायराना प्रोग्राम चलता रहता है। अक्सर लोग कहते हैं अदब के लोग बुलाते हैं, हालांकि मैं अब फिजिक्स के लोग बुलाए हैं, मुझे क्या पता आपका अदब से कितना लगाव है। खैर, चाय कितनी पसंद है? फ्रेंकली स्पीकिंग चाय बहुत थोड़ी पसंद है। अच्छा, बहुत कम पसंद है। चलें भाई लस्सी लेकर आए। नहीं, असल में चाय का मज़ा दुबाला होता है अगर आपके साथ बैठने वाला बंदा या जिसके साथ आप बैठकर चाय पी रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग है तो चाय आपको अच्छी लगती है। अच्छा। और अगर वो बोरिंग है तो फिर चाय जितनी अच्छी बनी हो, ये मेरा अपना तजिया है, माइट बी, यानी इससे आप डिफरेंशिएट किया। मतलब कुछ लोग इतने कोई बदजोक ही होते हैं ना, बदजोक होते हैं कि चाय उनके सामने बेजोक होता है। और मैं इसमें जो लफ्ज़ है वो तो बेशौक होता है, लेकिन मैं, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल जिनका शगफ नहीं है अदब के साथ, तो मैं उन्हें बदशौक कहता हूँ। अच्छा, मेरा मेरा ठीक है। मतलब कुछ लोग इतने बदशौक होते हैं कि उनके साथ चाय भी ठंडी हो जाती है, मज़ा नहीं आता पीने का। सर, चूँकि आप प्रोफेसर हैं और आप अस्क्रिया कॉलेज रावलपिंडी में पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अभी, अलहमदिल्ला मैं वहाँ पर फिजिक्स का HOD जी अलहमदिल्ला। 2017 में मैंने कंप्लीट किया मास्टर्स फेडरल यूनिवर्सिटी से इस्लामाबाद से, फिर एमफिल किया मैंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ टीचिंग भी इस फील्ड में आ गया। पहले पंजाब कॉलेज में पढ़ाता रहूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिया कॉलेज के अंदर मैं टीचर। अच्छा, तो आप इसलिए प्रोफेसर तो नहीं बने कि बचपन में ये सोच होती है बड़े होकर स्टूडेंट्स के लंच खाएंगे, उनसे चीज़ें खाएंगे और फिर मैं वही, वो कहते हैं ना, बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारूंगा? नहीं, असल में इस फील्ड में खैर आने का थोड़ा सा शायद सीरियस इसका आंसर बनता ही सीरियस है। असल में ये मतलब मेरा इस फील्ड में फ्रेंकली स्पीकिंग आने का तो मकसद जो था या जो रीज़न थी वो ये थी कि ये अंबिया कराम का शोबा है और पेशा है, और उस वजह से जो है ना, और मतलब दरसो तदरीस के साथ जितने भी अंबिया कराम आए हैं और फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी चूँकि इसी शोबे से मुंसलिक थे, तो मेरा ज़ाती तौर पर मैं इसके साथ, अभी मैंने रिसेंटली कपड़े का बिज़नेस भी थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, उसकी रीज़न भी यही थी कि वो
आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो चूँकि तिजारत किया करते थे, तो मेरा आने का मकसद तो ये था। फिर वो जैसे आपको बताया ना कि बस चलते 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 फिर बच्चों के साथ इंट्रेक्शन हो गया, फिर अब मज़ा आता है। यानी आप क्लास में जाते हैं, मैं चूँकि आप खुद माशाल्लाह अच्छी स्पीकर हैं, आप अच्छा बोलती हैं, तो मैं चूँकि खुद डिबेटर रहा हूँ, तो वो ना हमने अपनी फ्रस्ट्रेशन, हम जो मतलब ज़रा एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं ना, हमने कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन आउट करनी होती है। तो मुझे टीचिंग के अलावा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं मिला कि जहाँ मुझे इतने लोग सुन सकें डेली बेसिस पे। तो अब टीचिंग में ये होता है कि कम से कम मैं जाता हूँ, हर क्लास के अंदर 40-50 बच्चा बैठा होता है, मैं उनको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कभी कभी मेरा मूड होता है तो मैं उनको कोई अपनी कहानियाँ भी सुना देता हूँ, उनको थोड़ा सा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बता देते हैं, कोई थोड़ा सा अदब के बारे में बता देते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो चलता रहता है। मतलब कि अब हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान में भी एक नया ब्रांड आने वाला है कपड़ों का, जैसे आपने जिक्र किया है। इंशाल्लाह नहीं, ब्रांड लॉन्च कर दिया है, दैट इज कमाश एम्ब्रॉयडरीज। सो इंशाल्लाह आप जो है उसको देखेंगे। पीएचडी कर रहे हैं आप फिजिक्स में, तो ये बताएं कि फिजिक्स क्या सोच के, कोई पाकिस्तान के न्यूटन तो नहीं बनना चाह रहे आप? क्या आपके वो तो उस पर सेब गिरा था, आपके ऊपर क्या गिरने वाला है? मेरे ऊपर जो गिरना था वो तो गिर चुका है। अच्छा। रिसेंटली मेरी मंगनी हो गई है। ओहो मतलब कि आप ये अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि आपकी मंगनी हो गई है। नहीं, आपने कहा ना गिरने वाला। हाँ। तो मैंने कहा वो यानी वो किससे पुराने हो गए। अच्छा। खैर ऑन अ सीरियस नोट ये कि फिजिक्स जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बल्कि फेवरेट सब्जेक्ट आप खुद भी पढ़ी है, फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना वो बनता है फेवरेट टीचर से। अच्छा टीचर मिल जाए तो आपका अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। तो मेरे एक मैट्रिक में एकेडमी में एक फिजिक्स के टीचर थे सर साइम, अल्लाह पाक उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, तो उन्होंने फिजिक्स इतनी अच्छी पढ़ाई, फिर एफएससी के अंदर भी उन्हीं से मैं पढ़ा, तो बस मेरा वो लगाव फिजिक्स के साथ हो गया। और फिर चलते 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 मैं जब 6ठी 7वीं क्लास में था तो मुझे मेरे घर वाले कहते थे या टीचर्स कहते थे या मेरे रिश्तेदार कहते थे कि यार तुमने मैट्रिक नहीं करना, लाइक मतलब तुमसे मैट्रिक नहीं होगा। और ये खैर मैं आज शायद पहली बार ऑन एयर बता रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं। अच्छा, लेकिन हाँ तो लेकिन वो बस वो कुछ दुआएं थी माँ बाप की और कुछ आई डोंट नो क्या मामला था, लेकिन चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पीएचडी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी छोटी उम्र लगता ही नहीं है देख के यार पीएचडी कर रहे हैं आप, वरना तो इतने बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं और पीएचडी कर रहे हैं। मेरे इवन क्लास फेलो सारे यानी इसी तरह से ही हैं, लेकिन बस एक असल में मेरे फादर की जो है ना वो बहुत ज्यादा। आप भी पर्चियों वाले काम तो नहीं करते? एक क्लास में पर्ची दे दी तो दो क्लास से आगे पढ़ा दिया है, बिठा दिया टीचर्स ने कुछ चीजें मतलब ऐसा मुझे लग रहा है सीन है कि आप डायरेक्ट वो कहते हैं ना 8वीं से 10वीं में और 10वीं से 12वीं में वो यानी जंप करते हुए। हाँ, तो देखिए दैट इज अ काइंड ऑफ टैलेंट एज वेल, तो वो अच्छा, भी मतलब आप समझती हैं मतलब हुआ है तभी तो मैं कह रही हूं इतनी छोटी। असल में मेरे फादर की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, मेरे वाल साहब की बड़ी, चूंकि मैं आई प्राउडली से कि मैं एक सिपाही का बेटा हूँ, मेरे वाल साहब जो हैं वो पंजाब पुलिस के अंदर सिपाही थे, कांस्टेबल थे, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मतलब ना बच्चे पढ़ते नहीं हैं कांस्टेबल्स के, और क्योंकि जॉब डोमेन भी ऐसी है वो। फिर मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मतलब पढ़ूँ, तो वो बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली यानी मेरी छोटी सिस्टर बी एस केमिस्ट्री कर रही है और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस हमारा वो कुछ आपको बताया ना वालदैन की दुआओं की वजह से बस हम आहिस्ता 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 पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी को किस तरह देखते हैं? जिंदगी को इस तरह देखता हूँ, मतलब कि आंखों से देखते हैं, जिंदगी को देखता हूँ मुख्तलिफ तरीके से। आज से 2-3 साल 4 साल पहले, तीन अब साल तो मंगनी होगी, अब तो आप क्या क्या नहीं देखेंगे जिंदगी को, अब जितनी देखनी थी उससे पहले देख ली है। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैं यानी जिंदगी को मुख्तलिफ जाविये से, अच्छा ये देखिएगा कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ के अंदर कि मैं बचपन में था तो कॉन्सेप्ट्स कुछ और थे लाइफ के, फिर जब स्टूडेंट दौर के अंदर आए तो वहाँ कुछ ज़िंदगी का मतलब रवैया, कुछ ख्यालात उसके वाले से और थे। फिर प्रोफेशनल लाइफ में आए, कमाई शुरू कर दी, कमाना शुरू कर दिया, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, तो फिर अप्रोच कुछ और हो गई। अभी रिसेंटली जैसे आपको मैंने बताया मेरी एंगेजमेंट हुई है, तो एक चूँकि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ का, तो अब जाविया चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल में लाइफ जो है ना ज़िंदगी तब्दील होती रहती है, लेकिन मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरोज़। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मोहब्बत, अब तो खैर मुझे मोहब्बत की बात नहीं करनी चाहिए, अब मोहब्बत तो मंगनी से पहले भी हो जाती है। मुझे ये बताया कि मोहब्बत को आप अपनी लाइफ में किस तरह कंपेयर करते हैं, कभी हुई और ना मिली हो? मिली नहीं है, कहते हैं मैं एक शेर के अंदर आपको ना इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जरूर। वो कुछ शेर इस तरीके से है कि
सुखनवरी के हमें कब तजर्बे से आई है, जुबां में चाशनी दिल टूटने से आई है। अब ये प्रोग्राम देखने के बाद आपका दिल्ली हड्डियां भी टूट सकती है, इसलिए ना आराम आराम से बोलिए। तो अच्छा सियासत की बात करते हैं, उनके आजकल तो बहुत ही मजा आ रहा है पार्लियामेंट में चरपाइयां लेके जा रहे हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ और मैं बहुत इंटरटेन होती हूँ कि चलो पाकिस्तान इवन मैंने एक जगह पढ़ा कि हमारी आवाम को दो वक्त की रोटी ना मिले लेकिन तमाशा मिलना चाहिए, तो वो मतलब मिलता है आपको, इंटरटेन करते हैं कभी कोई कभी कोई। गार्ड से लेके जो हमारे गेट के बाहर गार्ड खड़ा है उससे लेके तो पार्लियामेंट तक जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग हैं वहाँ तक, हम तमाशबीन कौम हैं। आप इस कौम को यानी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप इस कौम को खाना ना दें, अच्छी तकरीर सुना दें तो ये खड़े रहे। ये मेरा अपना है। तो बाकी सियासत जो है वो हमने चूँकि मैंने खुद की अपनी लाइफ के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी की, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं काफ़ी यानी अलहमदिल्ला इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट की है। आपने बताया कि आप हमारी ही फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप, तो वो काफ़ी सारा, तो बस पॉलिटिक्स ना पाकिस्तान के अंदर जो हो रही है इसको बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है। जब तक मरूसियत ख़त्म नहीं होगी तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, यानी गुलाम इतने गुलाम वाला मामला जब तक चलता रहेगा तो चीज़ें बेहतर नहीं। मौका मिले तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं भाई। यहाँ तो ब्रांड भी लॉन्च हो रहे हैं और पार्टियाँ भी लॉन्च हो रही हैं, इनसे अब मैंने बना के रख दी है। इंशाल्लाह देखिए आपको अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर जितने काम हो सकते हैं वो करने चाहिए। और दिस इज लाइक व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं की भी हैं। मैं खुद ये कहती हूँ कि वो क्या इंसान है कि गली मोहल्ले में चौथा इंसान फोत हुआ और किसी को पता ही नहीं है कौन पैदा हुआ था कौन फोत हुआ किसने क्या काम किया। आप कुछ करके जाओ, किस पार्टी में ज्वाइन? हम अपनी पार्टी इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं वेरी सून और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें जो है ना सेपरेट नजर आएंगी। लेकिन फिर भी हम ये सवाल करेंगे जो अभी पार्टीज हैं उनमें से किसको, लेकिन ब्रेक के बाद। ठीक है, तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी कि किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे अपनी को छोड़ के, अभी तो वो आई भी नहीं है, तो अभी जो मौजूदा है उसमें से किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे? सिबा अगर मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। सर भाई दोस्त की बात ही नहीं है, आप मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं, कोई नाराज होके बताए जरा, आपसे आप बताएं किस पार्टी में होना चाहेंगे? पीपल्स पार्टी आई बिलीव। जरदारी से मोहब्बत या बिलावल से? नहीं, बिलावल से मोहब्बत तो शेख साहब को है, हम छोटे लोग हैं। शेख साहब की मोहब्बत का कोई जवाब? हम तो मेरा पीपल पार्टी वो वाहिद जमात है जो अपने कारकुन को रिस्पेक्ट देती है। हाँ, ये दिस इज व्हाट आई थिंक, और जो मैं देखता हूँ तो अगर कभी खुदा ना खास्ता यानी वो समझे कि दुनिया में आखिरी जमात अगर पीपल्स पार्टी रह गई, मतलब कोई और जगह ना हुई तो फिर देन आई विल जॉइन पीपल्स पार्टी, वरना हम इन सब से ही बेजार हैं, वरना अपनी आ रही है। ठीक है, अच्छा बचपन की बात करते हैं। बचपन में हर बच्चा बहुत शरारती होता है, मतलब कि कोई कोई मासूम भी होते हैं बेचारे, मार खा के आ जाते हैं बैठ से। कभी ऐसा हुआ कि आपने जूस का डब्बा पिया हो फिर नीचे रख के और पटाखा बजाया हो उसका? मेरे ख्याल है शायद हर बच्चा ही अपने लाइफ में होता है शरारती होता है थोड़ा सा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि शायद मतलब कम अज़ कम मेरे अपने एरिया में मेरी अपनी फैमिली में इतनी मार किसी बच्चे को नहीं पड़ी होगी जितनी मुझे वालदा से। वालदा से तो हमें भी पड़ती है भाई, अभी तक पड़ती है। और मुझे यानी चूंकि मैं पतंगों का बहुत ज़्यादा शौक था, क्रिकेट खेलते थे, लोगों के घरों में घंटियां दे के भाग जाना और लोगों को तंग करना और इस तरीके से, तो और यही अच्छा बचपन है, मतलब ये कम से कम आप हमें याद है कि आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ भाई हम इस तरह थे, तुम किधर पबजी के अंदर टिकटॉक के अंदर ही घुस गए हो, टेक्टिकल है। तो वो मतलब कि आपने डब्बा पटाखा बजाया तो पाकिस्तानी आवाम शादी का खाना खुला और टूट पड़ना है उससे खाने पे, तो आप टूटे होंगे जरूर, तो टूटने के साथ साथ शॉपर वाला सीन हुआ कभी, शॉपर में भर के कर ले गए हो? मेरी एक दफा पिटाई हुई थी कि मैं किसी टेबल पे खाना खा रहा था, मेरी शायद पप्पू की शादी थी, तो मैंने अपने टेबल पे 10 बोतलें जमा कर ली, तो मेरे वाल साहब जब आए तो उन्होंने फिर मुझे उस पर डांटा भी पिटाई भी की,
फिर सीपर लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस ना. मैंने जब फर्स्ट टाइम, मैं बताता नहीं हूँ, आप हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स ही हैं काफ़ी सारे, एक मीटिंग थी तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, तो चाय खाना पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने मंगवा ली कि जो छुरी और कांटे के साथ खाने वाली थी. अच्छा. तो मुझे नहीं पता था कि छुरी और कांटे के साथ इसको कैसे प्रॉपरली खाते हैं. तो मैं वहाँ से बाहर निकला, मैंने अपने कज़न को कॉल की और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम साद भाई, क्या हाल है, ठीक हो जी? ठीक है. मैंने कहा यार जल्दी से एक मसला हो गया. जी क्या हुआ? मैंने कहा यार मुझे बताओ कि छुरी और कांटे को कैसे यूज़ करते हैं. फिर उसने मुझे बताया कि यार आपने इंडेक्स फिंगर यूँ रखनी है छुरी के ऊपर और यूँ और वो. तो जब मैं पूको 10 मिनट का लेक्चर उसे लेके आया और जब मैं वापस आया मैंने देखा तो सारे लोग हाथ से खा रहे. ये चीजें हुई हैं लेकिन सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह. लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें सीखी हैं सीखने से आती हैं. वो मार की बात हुई तो मार यार, माँ की मार डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि होनी चाहिए. और जिन्हें घर वालों से थप्पड़ नहीं पड़ते ना उन्हें दुनिया बाहर से, हम अपने बच्चों को यही चीज कहते हैं घर वालों से खा लेने चाहिए. वही दर्द तो होता है लेकिन फिर भी खा लेने चाहिए. अक्सर मैंने आजकल जो है ना बहुत ज्यादा ट्रेंड क्या कह सकते हैं, माइंड सेट या क्या क्या हुआ वह आवाम को, पाकिस्तान को, आजकल टीचर स्टूडेंट्स की शादियां बहुत हो रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सीपा देखें मैंने मतलब मैं अभी मेरी एज है 26 years and 2 months एट दिस टाइम और आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 6 or 7 years. सो लाइक मैं 19 साल का था तो मैंने मतलब टीचिंग स्टार्ट की और मज़े की बात है मैं चूंकि कॉलेज लेवल पे ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले एकेडमीज वगैरह में और अपनी डिग्री के साथ, और फिर तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया तो उस टाइम मेरी यानी रेगुलर पढ़ाना शुरू किया कॉलेज में, तो मेरी उस टाइम एज थी 23 years and something, तो 23 साल के करीब. और मैं पढ़ा रहा था FSC और BSc के स्टूडेंट्स को, तो अब BSc की फीमेल स्टूडेंट्स तकरीबन मेरी एज की थी. अच्छा. और लाइक डेफिनेटली अल्लाह ताला ने अपोजिट जेंडर्स के अंदर एक अट्रैक्शन रखी है. तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि नहीं, चूंकि मैं इस शोबे के अंदर इस नीयत से आया हूँ जो मैंने आपको बताया, तो नहीं यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इस वजह से इस शोबे के ऊपर कोई आए हरफ है. तो फिर मैं तो ज़ाती तौर पे जो है वो इस चीज़ का बिल्कुल लाइक मुझे मतलब अच्छा नहीं बिल्कुल लगता. ही गलत चीज़ है एक कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का अलग अलग रुतबा है. आप स्टूडेंट को बच्चा समझते हो, उसको एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हो, उसकी तरबियत करते हो, उसकी ग्रूमिंग करते हो. और आप फिर आजकल तो अभी पिछले दिनों ही रिसेंटली एक वाकया हुआ कि स्टूडेंट ने टीचर की वजह से खुदकुशी कर ली. मतलब कि यहाँ तक पाकिस्तान की जो माइंड सेट है ना वो बिल्कुल लोगों का, बच्चों का, जनरेशन का पता नहीं क्या. पहली बात ये कि निकाह करना कोई गलत बात नहीं. हाँ ये तो है. स्टूडेंट और टीचर चूंकि महरम नहीं है और गैर महरम के अंदर निकाह जायज है तो उसमें कोई कबात नहीं है. लेकिन जहाँ तक मामला है आपके एक स्टेटस का या एक एक चीज़ आ जाती है कि आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं तो मुनासिब नहीं है क्योंकि हाँ. एक अच्छा इमेज नहीं जाता. लोग फिर अपनी बच्चियों को भेजते नहीं हैं यानी इस तरह की जगह पे जहाँ. और दूसरी बात ये खुदकुशी वाला आपने यानी ये मुझे ज़रूरी मैं इसको पॉइंट आउट करूँगा कि हमारे ना बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं मोबाइल के अंदर, टिकटॉक के अंदर, इस पबजी के अंदर, इस तरह की चीज़ों के अंदर ना, तो इतने ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुके हैं ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं. उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो कुछ थोड़ा सा इशू भी होता है तो इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से खुदकुशी. तो और फिर एक जुमला बड़ा यानी आज आपने मेरे ख्याल से स्टेटस लगाया था तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसको लाजमी डिस्कस कीजिएगा. देखो सीबा मामला ये है कि वो लोग कहते हैं जी बड़ी बड़ी हिम्मत की बात है खुदकुशी करना, बड़ा औखा है जी, बड़ी हिम्मत की बात है. इन दुनिया का सबसे बुजदिल आदमी ही खुदकुशी करता है, मेरा जुमला याद रखिएगा. बाहिम्मत शख्स का जो बाहिम्मत शख्स है ना वो तो हालात का मुकाबला करता है, वो तो लड़ता है. खुदकुशी कोई बंदा करता है जिसे ये लगता है कि नहीं मैं नहीं चल सकूंगा तो बस अपने आप ही जाने. कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं लाइफ में कि इंसान कहता है जिंदा रह के भी वो उसकी ख्वाहिशें, उसके क्या कहते हैं ख्वाब, सब कुछ खत्म हो जाते हैं. नहीं ये तो मैं सर बहुत दफा होता है ऐसा कि इंसान बेबस हो जाता है. चूंकि गुजरा हूँ इस तरह के बहुत सारे मामलों से तो गुजरने का अब तो गुजरने का जवाब नहीं बनता. आपकी मंगनी हो चुकी है, अब आपको हैप्पी हो जाना चाहिए. मैं कह रहा हूँ कि मैं चूंकि आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस, मतलब मैं इसी माशरे का स्टूडेंट रहा, इसी माशरे में रहा, तो मुझे पता है सारी चीजें. तो कुछ भी नहीं होता, जिंदगी कभी भी नहीं रुकती. हाँ, चलती रहती, जिंदगी चलती रहती, चाहे गुजारो या चाहे जियो. एग्जैक्टली. हमारे एक अंकल हैं शायद आप, मैं वो जुमला ऐड कर दूं बिल्कुल जल्दी से. वो एक हमारे अंकल हैं, वो कहते हैं कि जेड़ा पुत्र आ गया वो फंस गया, उन्हें उन गुजार के जानी है. हाँ.
गेटिंग द पॉइंट कि अब जिंदगी आपने गुजार के जानी है, तो चाहे आप मुश्किल से गुजारें चाहे आसानी से गुजारें, यू विल हैव टू गुजार के जानी है। अक्सर ये होता है कि टीचर्स सुनने में आता है, स्टूडेंट्स बड़े शिकायत करते हैं कि लड़कियों को ज्यादा नंबर देते हैं और लड़के बेचारे ऐसे ही फंस जाते हैं। नहीं, ये तो हमने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, मतलब कई हमारे ऐसे टीचर्स थे बहुत अच्छे टीचर्स थे। आपने ये काम तो नहीं किया? नहीं, मतलब क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान है हम। नहीं, इसमें उसकी वजह ये है, आपने कहा होगा सकीना को ज्यादा दे दूंगा और शहबाज को कम नंबर दे दूंगा। नहीं, मैं असल में बहुत शरीफ आदमी हूँ। वो शराफत हमारे यहाँ पर, अब मैं क्या कहूँ। उसमें ये है कि मतलब लेवल ऑफ इंटरेक्शन खैर डिफरेंट होता है। आई एग्री कि लेवल ऑफ इंटरेक्शन आपका डिफरेंट होता है। करते हैं, हमारे साथ खुद हुआ है, मतलब हम मैं अप्लाइड फिजिक्स सोसाइटी का हेड सीआर भी था और प्रेसिडेंट भी था और हम टीचर्स के बाहर खड़ा, यानी उसके रूम्स के बाहर खड़ा हुआ करते थे और पता लगता था कि वो खातून गई है, वो मिलके और नंबर चेंज करवा के आ गई। ये तो हमारे सामने हुआ, ये तो हुआ। और वो जो चिकन कढ़ाई फिश कढ़ाई खिला के स्टूडेंट नंबर ले लेते हैं टीचर से, उसका क्या सीन है? मेरे ख्याल आप अब जा रही हैं कि मैं यूनिवर्सिटी में, अब मैं जाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे HOD साहब जो है ना वो मुझे बिठा के चाय पिलाते हैं, तो आप जा रही हैं मेरे एंट्री पर पाबंदी लगाई जाए, छोड़ो सर रहने दें। नहीं नहीं, होता है ना अक्सर बड़े शौकीन होते हैं टीचर्स खाने पीने के ना, कि चिकन कढ़ाई ले आए स्टूडेंट, सर मैं आपके लिए ये लाया हूँ पका के, है नंबर लेते हैं। मैं सीआर था, फर्स्ट सेमेस्टर था हमारा। अच्छा। तो हमारे एक टीचर थे, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने ना बच्चों को, मतलब वो बड़ा सख्त थे, बड़े नंबर नहीं देते थे, तो उन्होंने बच्चों को फेल कर दिया। तो उन्होंने एक दिन कहा जी रिजल्ट जमा कराने से पहले कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हम सारा दिन उनको बॉलिंग करते थे। अच्छा। एक तो वो बहुत बुरे क्रिकेटर थे। अच्छा। बुरे क्रिकेटर थे और हम सारा दिन 3-4 बंदे उनको बॉलिंग करते रहे कि यार खुश होके। तो और फिर हमने एंड पे खाना खाया और उनकी बड़ी खिदमत की और पता लगा वो जितने स्टूडेंट फेल थे वो सारे फेल ही थे, पास नहीं हुए। अच्छा, बचपन में कहते थे कि लड़कियों के साथ खेलो तो कान पक जाते, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? ये मुहावरा ही है, मुझे तो नहीं लगता ये रियलिटी है कि लड़कियों, हम इतने लड़कों के साथ बच्चों के साथ खेले हैं कभी मेरे कान तो पके नहीं आई। ये किसने लाइन डलवाई है कि लड़कियों के साथ खेला तो कान नहीं पकते? असल में ना, चूंकि हमारा इंटरेक्शन रहा, मतलब डिबेटिंग के अंदर भी रहा, फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर भी रहा, सोसाइटीज के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है। और मतलब चूंकि खवातीन थोड़ी सी टेढ़ी नेचर की होती हैं, मर्द थोड़े से स्ट्रेट होते हैं। हाँ। ये मैं लेकिन हाँ। पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। अच्छा। तो थोड़ी सी हाँ। तो उसमें ये है कि आपको ना यू विल गेट टू नो कि अच्छा यार दिस इज हाउ वी विल हैव टू हैंडल देम, वरना फिर एकदम से जब वो मामला आ जाता है तो अच्छा। फिर ये जा वो जा, ये सारी चीजें हो जाती है। ये अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन उसके ब्रेक के बाद आने के लिए, ब्रेक के बाद हम आएंगे और इनसे एक बहुत ही संजीदा सवाल है और उसका हमने बिल्कुल सच्चा सच्चा और सही सही जवाब दिया, ठीक है, नो झूठ। तो नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं और करेंगे इनसे एक और सवाल। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत ही संजीदा सवाल करने से पहले एक और सवाल करूंगी, कभी आपके पेट में हेडेक हुआ है? जल्दी से बता दे, पेट में हेडेक हुआ होगा? हो मेरे है। तो बहुत होता है। वो तब हुआ है जब बचपन में हम सुबह सुबह उठते थे और दिल करता था कि स्कूल ना जाएं और अम्मी को बताने के लिए कुछ होता नहीं था, तो फिर पेट में हेडेक भी हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब हम बढ़ेंगे उस सवाल की जानिब जो मैं आपसे कह रही थी कि बहुत ही संजीदा सवाल है। हमारे प्रोडक्शन हाउस के जो हेड है ना, उनका ये सवाल था, सुहेल अहमद नाम है उनका, और उन्होंने कहा था कि स्पेशल क्वेश्चन करना है और बिल्कुल सीरियस और संजीदा जवाब। अच्छा। नो झूठ। और वो सवाल मैं करूं? जी जी श्योर, सोच लें। देखिए मैं सारी उम्र सवालों के जवाब समझ के जवाब दीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि सीबा ने भाई ये प्रोग्राम कर रहा है, ये दस साल हो गए हैं मैं सवालों के जवाब ही दे रहा हूं। अच्छा, सो डोंट वरी। आपसे सवाल ये है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बहुत सीरियस सवाल है, बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है। होगा, कभी ब्रश नहीं किया क्या? मतलब होगा, मतलब इतना गौर से नहीं किया, इतना टेस्ट करके नहीं किया। सर वो तो टूथपेस्ट डालो तो ऐसी ऐसी टेस्ट आती है कि इंसान, वो यानी नमक को खाया। मैं आज जाके चेक करूंगा, आज जाके चेक करेंगे और इसका जवाब हमें फिर प्रोग्राम के बाद मिलेगा। अच्छा, आपके पास ना दो ऑप्शन है, एक चूज करना है, थर्ड वाला तो है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं, ठीक है। फारूक सत्तार या परवेज खटक? डेफिनेटली फारूक सत्तार। क्यों? वही बहुत कमाल आदमी है। खटक माशाल्लाह इतने स्मार्ट है, मैं अक्सर कहती हूँ उनका सांस अटका हुआ है।
फारूक सत्तार साहब मतलब नो डाउट अच्छे इंसान है। दाढ़ का दर्द या दांत का दर्द? ना पूछ। दाढ़ का दर्द मुझे हुआ था कुछ अर्सा पहले, एक प्रोग्राम पे मैं गया हुआ था, वहाँ हमने तकरीर करनी थी तो पंखा सीधा मेरी तरफ लगा दिया तो कैविटी थी एक मेरे दांत में, तो बस वो ना पूछे मुझे मतलब याद है, और मुझे जब याद आता है तो मेरे एक दफ़ा जिस्म पे ना वो कांटे खड़े हो जाते हैं कि इतनी शदीद। कान का दर्द और दांत का दर्द ये वैसे ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं और मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। तो दाढ़ का या दांत? दाढ़ का। दाढ़ बहुत बुरा। अच्छा, टूटी या नल का? टूटी। टूटी फ्रूटी exactly. टैक्सी या तांगा? माया अली या सारा खान? मुझे दोनों का सही तरीके से नहीं पता, फ्रेंकली स्पीकिंग। थर्ड बोल दे। काजोल। आपकी मंगनी हो चुकी है, अब आप काफी अब जो है ना वो आप थोड़ी दूसरी लाइन पे आ जाए। खैर, टूथपेस्ट या मसवाक? नहीं, वो ऊपर वाला रहा क्या क्वेश्चन, माया अली या सारा खान के अलावा थर्ड ऑप्शन। मुझे मैं मतलब शायद 10-12 साल से नहीं, कुछ भी नहीं ना इसको मतलब वैसे ही, यानी टाइम जाया करने वाली बात है, नहीं कर रहे। मतलब इनका लाइक मुझे कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा, सही ठीक है। मसवाक या टूथपेस्ट? मसवाक, चूंकि सुन्नत है। हां, कोर्ट मैरिज या अरेंज मैरिज? डेफिनेटली अरेंज मैरिज। अच्छा, हाँ डेफिनेटली। हाँ, आजकल तो खैर। लाइफ में अगर तीन चीजें हो आपको मिले मतलब वो पूरी जिंदगी के लिए, तो किस चीज को आप चूज करें? फास्ट फूड, तीन चीजें हैं एक चूज करना, फास्ट फूड, वर्ल्ड टूर या स्टे विद लाइफ पार्टनर? डेफिनेटली वर्ल्ड टूर, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। अच्छा। अगर आप वक्त देंगी तो मैं आपको एक छोटा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जरूर बताऊं। नहीं मैं नहीं बता रही। अच्छा, नहीं, मैं परमिशन नहीं दे रही। यूनिवर्सिटी में नारायण खान हमारा एक ट्रिप जा रहा था तो हमने खुद अरेंज किया, लेकिन मेरे दोस्तों ने, तो मुझे घर से इजाजत नहीं मिली। अब मेरे फ्रेंड्स से उन्होंने कॉल की, मेरे घर वाले साहब से बात की, अब मेरे अब्बू चूंकि थोड़े से स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी नहीं जाना। इन शॉर्ट ये, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, इन शॉर्ट ये कि तीन बसेज हमारी तैयार हो गई, लोग तैयार हो गए बैठ के, और मुझे इजाज़त नहीं मिल रही। और मतलब कि दोस्त वगैरह भी कह रहे हैं, अब सारे दोस्त भी जा रहे हैं, अरेंज भी खुद किया है, लेकिन और नारायण का खान देखा भी नहीं था, सुना था बड़ी प्यारी जगह, तो अब मुझे नहीं इजाज़त मिली। मैं घर से कॉटन का सूट और प्रॉबली सैंडल पहन के आया था, चूँकि गर्मियाँ थी तो जून या मई का महीना था, तो जब तीनों बसें पैक हो गई, वो छतों के ऊपर बैग्स वगैरह रख दिए और तीनों बसें जब चलने लगी, दुआ हो गई और चलने लगी, तो तीन चार दोस्त मेरे उतरे, उन्होंने मुझे पकड़ा, उठा के अंदर फेंका। अच्छा। मेरे पास बैग था और उस बैग के अंदर एक रजिस्टर था जो हम जैसे यूनिवर्सिटी लेके जाते थे, उठा के अंदर फेंका और मुझे बांध दिया, पकड़ लिया और बैग मेरा फेंक दिया। जब हमने तरनौल क्रॉस किया एबटाबाद वाली साइड पे, जब हम निकले प्रॉबली मोटरवे पे हम लोग चढ़ गए, तो फिर उन्होंने मेरे घर कॉल की कि अंकल जी हम आपके बेटे को लेके जा रहे हैं, आपने FIR करानी है तो करा दें, चार दिन में वापस आ जाएगा। तो फिर जब वापस आए तो फिर क्या? कुछ नहीं, फिर वो तो फिर उसके बाद पूरी यानी पाकिस्तान बहुत देखा है, नॉर्थ बहुत देखा है, घूमने फिरने का शौक यार। मतलब कि आपने ये भी ऑप्शन गवा दिया, स्टे विद लाइफ पार्टनर, अकेले क्या घूमेंगे, गोल गोल ही घूम लें अकेले, वैसे भी दरी चेयर पे नहीं, असल नेचर जो है ना वो अगर ये दोनों मिक्स हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो, तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप सिंगल सिंगल तो हो ही गए हैं, आगे भी हो जाएंगे। रश या तन्हाई? बोथ, दोनों। कभी कभी खुद को वक्त देना पड़ता है और कभी कभी लोगों के अंदर, चूंकि हम मैं एक्सट्रोवर्ट आदमी हूं तो रश और मतलब इस तरह का, दोनों चीजें। एक लफ्ज है वो लफ्ज सोच के आपके माइंड में जो भी आए ना बस आपने बोल देना। अच्छा। दरख्त। जिंदगी। खानदान। खूबसूरती। F-16। थंडर। त्यारा। त्यारा। मलाला। गुजारा। ये वैसे अच्छा बनाना गुजारा। यूसुफ शाह, ये मेरा सा, ये मेरे स्क्रिप्ट में किसी ने चेंजिंग किया है। यूसुफ शाह? यूसुफ शाह नहीं पता आपको? वो अच्छा पठानों वाली यूसुफ शाह। नाइस नाइस। वो भाई मतलब खर दिमाग? नहीं नहीं नहीं, खर दिमाग नहीं, हमारे बड़े प्यारे भाई होते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्यों मार पड़वानी है मुझे सीमा। यूसुफ शाह से ये है कि मतलब मेरे ख्याल इसके अलावा सुकून कह सकते हैं। हाँ सुकून कह लें। नहीं अब ऐसी भी बात नहीं,
नहीं ऐसे ही है। इसके बारे में और भी बहुत कुछ है। जस्टिस टीवी हाँ बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। सीबे जस नहीं वो भी आएगा आगे भी मॉर्निंग सुबह 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 कॉलेज चाय हाय 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 ये भी अच्छा था दोस्ती दोस्ती बहुत खूबसूरत रिश्ता है ख़राब हो गया है इस दौर के अंदर लेकिन बहुत खूबसूरत है जलालत वाला भी है असल मजा ही है थोड़ा दोस्ती के अंदर जलालत है दोस्ती में मजा है यार जो चीज सुकून जो बंदा दोस्ती में जलील नहीं हुआ उसने दोस्ती की नहीं है बिल्कुल ऐसे वो जो मासूम मासूम वाली दोस्ती है मम्मी डैडी वाले आजकल बच्चे वो वाली चीज हां इधर से टच हो गया उधर से टच हो गया मार कुटाई वो वाला सीन आंखें गुलाबी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी खैर मौसी की हां मौसी की नुसरत फतेह अली खान जबरदस्त खबरें खबरें से बहुत सारी चीजें रिलेट कर जाती हैं मतलब झूठी हाँ ये भी झूठी इश्क इश्क ने निकम्मा कर दिया या वो है इश्क कामा दखल खुद दवारा शुद्ध जैसे शम सामन शमा खुद बेचारा शुद्ध उर्दू बता दे हमारे नाजरीन को फारसी नहीं आती यानी जब इश्क आता है तो अक्ल आवारा हो जाती है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सूरज के आने से शमा की कोई हैसियत नहीं रहती होए 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 बड़े दिल दुखे हुए लोग हमारे साथ आज बैठे हैं आज जाके सब कुछ दुखेगा जब आपकी हड्डियां टूटेंगी ना उसके बाद हुस्न हाँ हुस्न हुस्न परस्त हूँ मैं हुस्न परस्त हूँ अच्छा इसका हुस्न परस्त है या ठरक परस्त है पहले खरक परस्त हुआ करते थे अब हुस्न परस्त सही है उसके बाद आता है दौलत होनी चाहिए जरूरत होनी चाहिए होनी ठीक है और टी टाइम मतलब टी टाइम विद सीबा जस सीबा मिर्ज़ा इसी के साथ हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम थोड़ा थोड़ा हो गया है थोड़ा थोड़ा रह गया है आज जाते जाते हमने एक पोइट्री सुनेंगे आपसे शगफ है आपको अल्हम्दुलिल्लाह हाँ स्टार्ट ही आपने शायरी से किया शगफ ना हो तो फिर तो चले एक शेर सुनाएं उसके बाद एक अच्छा सा पैगाम पानी के हवाले से आप देंगे और मैं भी दूंगी ताकि हमारी आवाम जो पानी ज़ाया कर रही है ना आजकल जो हमारी ज़रूरत है ज़िंदगी है उस पर थोड़ा सा अपनी लिखी हुई पोइट्री है और वो काफ़ी सारी फेमस है लोग तो जो देखने वाले होंगे वो थोड़ा सा गुस्सा करेंगे जो मेरे दोस्त हैं कि मैं मतलब बहुत उसको मैंने इस्तेमाल किया नहीं मैं बहुत सुनाता हूं, पढ़ता हूं। वो एक मेरी मैं अक्सर पढ़ती हूँ किताबें जीस्त वाली हर इवेंट में मेरी वो पोइट्री होती है हर इवेंट में मुझे भी कहते हैं बस कर जो कितना एग्जैक्टली होता है आपके साथ रात इंदौरी साहब को मैं वैसे पढ़ता हूँ सुनता हूँ मुझे बड़े पसंद है बहुत अच्छे शायर है लेकिन वो जरा सियासी जलसे जुलूसों में उनकी शायरी है तो जो अपनी है वो कुछ इस तरह से है कि मुझे रोकने वाले अच्छा। मुझे सुनाने वाले तुम कौन होते हो अच्छा। मुझे रोकने वाले मुझे सुनाने वाले तुम कौन होते हो मैं जो कुछ भी करूं तुमको से मतलब क्या मेरे बीच में आने वाले तुम कौन होते हो और मैं रो रही हूं अच्छा मैं रो रही हूं रोने दो तुमको से मतलब क्या मुझे चुप कराने वाले तुम कौन होते हो? मुझे चुप कराने वाले तुम कौन होते हो और बातें क्यों सुनिएगा मजा आएगा जरूर, आपको जरूर, और बातें क्यों करते हो जिंदगी साथ गुजारने की मेरा घर बसाने वाले तुम कौन होते हो और दिन मेरा सारा गुजरता है तुम्हारी याद में मुझे सारी रात जगाने वाले तुम कौन होते हो तुम कौन होते हो और आखिरी शेर है बीच में कुछ और हैं लेकिन मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ आखिरी शेर है कि एक तुम्हारी खातिर छोड़ दी दुनिया सारी मैंने अच्छा मुझे छोड़ के जाने वाले तुम कौन होते हो? लेकिन फिर भी उसने छोड़ दिया है नहीं छोड़ दिया खुदा ना खास्ता ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट या डिस्कशन था दैट्स इट नहीं नहीं भाई ये बिल्कुल रियलिटी थी जो इन्होंने कहा है जो पोएट्री लिखी है अभी भी आप ना अच्छी अच्छी पोएट्री लिखे है अच्छा कि आप साथ होने वाली साथ निभाने वाली वैसे मेरी जो फेमस है तो वो मतलब काफी बहुत अच्छी पोएट्री थी बहुत मजे की थी बहुत मजा आया आपके साथ आखिर में एक पैगाम पानी के हवाले से कि पानी को सेफ रखें हमारी आज की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं और पाकिस्तान में रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक पानी ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा खुदा ना खास्ता हम यानी डेड लेवल तक चले जाएंगे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तो इस वजह से पानी को सेव करें और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है इसका फ़ायदा जो है ना इससे उठाएँ हमारे मतलब के इलाके में पहले यह था कि पानी नहीं था तो लोग बड़े तरसते थे अब आ गया है तो अब औरतें जो हैं वो मैं देखता हूँ कि गलियों में निकल के पानी बह रहे हैं बर्तन धुल रहे हैं तो पानी
बिल्कुल, पानी बह रहा है, कपड़े धो रहे हैं तो पानी बह रहा है, तो एक एक कतरे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। बिल्कुल ऐसे, और हमारी जिंदगी समझने पानी से ही जुड़ी है, और पानी नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो जिंदगियां बचाएं, पानी बचाएं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं नहीं बताऊंगी हमारे साथ आज कौन मेहमान मौजूद थे, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि कौन थे। तो अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी सी होस्ट सीबा मिर्जा को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ और नई चाय के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।